टाइम अप, टाइम अप सर, टाइम अप। स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के आंसर राइटिंग के वीडियो में। तो आज हम एंटर कर रहे हैं एथिक्स की दुनिया में, एथिक्स के डोमेन में, जो यूपीएससी का GS4 का पेपर है। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखने में तो थोड़ा बहुत आसान लगता है, बट ये क्वेश्चन है नहीं आसान, क्योंकि अगर आप इसकी प्रॉपर स्ट्रक्चरिंग कर पाएंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। लेकिन इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम स्ट्रक्चरिंग की ही आती है, कंटेंट तो आई होप आप सबके पास होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं प्यार से एंड देन उसको कंपोनेंट्स में तोड़ेंगे, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि इसकी स्ट्रक्चरिंग कैसे करनी है, इसको सोचना कैसे है, राइट? इसमें कंटेंट को सोचना कैसे है और कैसे हम लॉजिकल वे में कंटेंट को सोच सकते हैं एथिक्स के क्वेश्चन में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट होगा आज के वीडियो का। आई होप आपने इसका आंसर लिख लिया हो, प्लीज लिख लीजिएगा, क्योंकि आंसर लिखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कहां पे आपकी मिस्टेक्स हैं, कहां पे आपकी प्रॉब्लम्स हैं, कहां पे इश्यूज क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है? तो लेट्स बिगिन। सबसे पहले आइए साथ में क्वेश्चन पढ़ते हैं। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स? इज देयर एवर एन इंस्टेंस व्हेन दे बोथ कॉन्ट्राडिक्ट वन अनदर? जस्टिफाई विद द यूज ऑफ एग्जाम्पल्स। ये 10 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें आपको पता है कि आपके पास केवल 2 पेजेस हैं एंड 150 वर्ड्स हैं। तो आइए क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, एक बार इसको कॉम्पोनेंट्स में तोड़ते हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट है, एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो लेट्स रीड इट। व्हाट इज द रिलेशनशिप, क्वेश्चन पूछ रहा है कि रिलेशनशिप क्या है बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स। एथिक्स एंड वैल्यूज दो चीजें हैं, वैल्यूज एंड एथिक्स, इन दोनों के बीच का रिलेशनशिप क्या है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। दूसरी चीज पूछ रहा है कि अगर इनमें जब रिलेशनशिप है तो क्या कभी ऐसा हो सकता है, एवर एन इंस्टेंस कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों में कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए? क्योंकि जनरली क्या होता है ना, हम वैल्यूज और एथिक्स को सेम ही मान लेते हैं, मतलब इनको सिमिलर वे में हम यूज करते हैं। एक नॉर्मल इंसान, एक डेली लाइफस्टाइल में हम वैल्यूज और एथिक्स को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मान के आगे बढ़ते हैं। बट एक्चुअल में जो इंसान यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा है, जो एथिक्स के पेपर को प्रॉपरली पढ़ रहा है, उसको सबसे पहले चीज जो समझ में आएगी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन वैल्यू एंड एथिक्स, ठीक है? तो इसीलिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि दोनों कॉन्ट्रडिक्ट करें, और क्वेश्चन आपसे ये एक्सपेक्ट करता है कि आप इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स जस्टिफाई करिए, ठीक है? तो आपको जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हो, उसका मतलब क्या हो गया, जो भी पॉइंट्स आप दे रहे हैं अपने आंसर में, उसको आपको एग्जाम्पल के थ्रू जस्टिफाई करना है। एथिक्स में स्पेशली एग्जाम्पल्स का बहुत ज्यादा यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज तो छोड़िए, इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। बिना एग्जाम्पल के आप एथिक्स का आंसर दूसरे को समझा नहीं पाएंगे, बहुत मुश्किल है। तो इसलिए न्यूज़पेपर से, मैगजीन से, या अपने डेली लाइफ से, आपके बचपन से, आपके स्कूल कॉलेज कहीं से भी आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स नोट कर लीजिए, उसके नोट्स बना लीजिए डिफरेंट डिफरेंट हेडिंग्स के अंदर, डिफरेंट वैल्यूज के अंदर, और जिससे आप इसको अपने एग्जाम में यूज कर सकते हैं। चलिए तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की स्ट्रक्चरिंग देखते हैं कि एग्जैक्टली स्ट्रक्चर कैसा होगा हमारे क्वेश्चन का। जैसा कि आपको दिख रहा है कि ये है एक 10 मार्कर क्वेश्चन, राइट? ये 10 मार्कर क्वेश्चन है जिसमें आपके पास 2 पेजेस हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 2 पेजेस हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्या क्या कॉम्पोनेंट होता है किसी भी आंसर का। जैसा कि स्टार्टिंग हम करेंगे इंट्रोडक्शन से, इंट्रोडक्शन हम किस चीज पे लिखेंगे, सिंपल है यहाँ तो, क्योंकि वैल्यूज एंड एथिक्स की बात की गई है, तो आप डेफिनेटली इसको डिफाइन कर दीजिए इंट्रोडक्शन में, एंड यू कैन गिव एग्जाम्पल फॉर बोथ ऑफ देम कि भाई ये वैल्यू है और ये एथिक्स है, ठीक है? हम इसका डिस्कशन आगे करते हैं जब हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो स्ट्रक्चर का पार्ट होता है वो होता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है हमारा बॉडी। बॉडी में जैसे कि मैंने हर बार बोला है, उसमें हेडिंग्स होती है। तो हेडिंग्स क्या क्या होती है, वो होती है डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर से। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है उसके हिसाब से हम हेडिंग डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन में सिंपल पहली चीज पूछा है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, एंड दूसरी चीज पूछा है कि कभी ये कॉन्ट्रडिक्ट करते हैं कि नहीं। तो यही दोनों हमारी हेडिंग हो जाएंगी। तो पहली हेडिंग क्या होगी हमारी, ये रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, ये पहली हेडिंग हो जाएगी। एंड जो दूसरी हेडिंग हो जाएगी वो हो जाएगी कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, राइट? कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स।
ये हो जाएगी दूसरी हेडिंग। यहां पे करने के बाद हमारा क्वेश्चन का जो मेन पार्ट है वो खत्म हो जाएगा। प्री कंक्लूजन या फिर वैल्यू एडिशन में यहाँ पे कुछ खास करने के लिए नहीं है, आप वे फॉरवर्ड टाइप की कुछ चीजें लिख सकते हो कि अल्टीमेटली हम क्या करें कि ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है या फिर जो इस कॉन्ट्रडिक्शन की वजह से या फिर इस रिलेशनशिप की वजह से जो इश्यूज क्रिएट होते हैं सोसाइटी में उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप ये कर सकते हो बट नॉट वेरी नेसेसरी, क्योंकि एथिक्स में टाइम का कंस्ट्रेंट बहुत ज्यादा होता है, तो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप बहुत ज्यादा लिखो एक आंसर में। 150 एंड वर्ड्स के अंदर आंसर कंप्लीट करके आगे बढ़ना है, पेपर कंप्लीट करना बहुत जरूरी है, तो लिख सकते हैं बट मैं सजेस्ट नहीं करूंगा। फिर इसके बाद लास्ट है हमारा कंक्लूजन, बस कंक्लूजन लेके हमने अपने आंसर को कंप्लीट कर देना है। दैट इज द स्ट्रक्चर। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कि क्या होगा इसका एक्चुअल कंटेंट। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन डिस्कस कर लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखेंगे, वैल्यूज एंड एथिक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। तो बताइए वैल्यूज क्या होती है एंड एथिक्स क्या होती है, क्योंकि जब तक आपको इनका डेफिनेशन नहीं पता होगा तब तक आप इनके बीच का रिलेशनशिप या फिर इनके बीच का कॉन्ट्रडिक्शन कैसे लिखोगे। तो इसलिए लेट्स डिस्कस कि वैल्यूज क्या होती है एंड एथिक्स क्या होते हैं। तो देखो वैल्यूज होता है सबसे पहले पर्सनल लेवल पे, पर्सनल लेवल पे या फिर यूं कह लो इंडिविजुअल लेवल पे, जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है, जिस चीज पे हम विश्वास करते हैं, जिस चीज के आधार पे हमारी पर्सनैलिटी बनी है, राइट, वो होती है वैल्यूज। हमारी खुद की वैल्यूज होती है, लोगों की वैल्यूज डिफरेंट हो सकती है, लेकिन ये वैल्यूज होती है जो हमारा बिलीफ सिस्टम है। और ये बिलीफ सिस्टम होता है तो इससे फायदा क्या होता है, मतलब इनका यूज क्या है, इनका यूज है राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना। तो वैल्यूज हमें हेल्प करती है राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करने में, ठीक है। तो ये हो गई हमारी बिलीफ सिस्टम। अच्छा यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, इस क्वेश्चन में पूछा नहीं है बट फिर भी थोड़ा क्लैरिटी के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि मॉरल्स क्या होते हैं, क्योंकि हम इन तीन चीजों की बात एक साथ करते हैं, वैल्यूज मॉरल्स एंड एथिक्स। तो मॉरल्स क्या होते हैं आप ये बताओ। तो मॉरल्स होते हैं पर्सनल स्टैंडर्ड्स, राइट, जो डिराइव होते हैं बिलीफ सिस्टम से ही, बट एक स्टैंडर्ड मतलब जो एक्चुअल में हम करते हैं, मतलब जो हम बिहेवियर करते हैं, जो चीजें हैं, जो एक्टिविटीज हम करते हैं, राइट। तो मॉरल्स होता है पर्सनल स्टैंडर्ड, ये हमारे खुद के होते हैं। और इसी से आगे जब हम देखेंगे एथिक्स क्या होता है, वो होता है सोशल स्टैंडर्ड या फिर यूं कह लो सोशल नॉर्म्स। तो मॉरल्स आर पर्सनल नॉर्म्स जो हमारे इंडिविजुअल के होते हैं कि भाई मैं ऐसा करूंगा तुम्हें जैसा करना है करो, ये मेरे मॉरल्स हैं क्योंकि मेरी वैल्यूज ये हैं, तो मेरे मॉरल्स यहां से डिराइव हो रहे हैं। और जो एथिक्स होता है वो होता है सोशल, ब्रॉड ग्रुप ऑफ पीपल, यहाँ पे 10 लोग हैं तो हर इंसान के अपनी वैल्यूज होंगी, अपने मॉरल्स होंगे, लेकिन इन सब को जब साथ में काम करना होगा तो यूज आएगा एथिक्स का। किसका यूज आएगा, एथिक्स का, कि आप लोग साथ में कैसे काम करोगे तब एथिक्स का यूज आएगा। उसमें इंडिविजुअल मॉरल्स या फिर इंडिविजुअल वैल्यू से चीजें डिराइव जरूर होंगी लेकिन वो डिफरेंट भी हो सकती हैं, ठीक है। यही चीज है क्वेश्चन का क्रक्स। तो आपको समझ में आ गया कि वैल्यूज क्या होती है, वो होता है बिलीफ सिस्टम जो हमें राइट एंड रॉन्ग में डिफरेंशिएट करना सिखाता है, एंड जो मॉरल्स होते हैं वो इसकी जरूरत नहीं है इस वाले क्वेश्चन में बट फिर भी मैंने बता दिया है कि मॉरल्स पर्सनल स्टैंडर्ड्स होते हैं जहां पे हम पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। वैल्यूज होती हैं जिनके बेसिस पे हम डिसीजन लेते हैं, एंड एथिक्स होता है सोशल नॉर्म्स जहां पे सोसाइटल लेवल पे या फिर ग्रुप ऑफ पीपल के लेवल पे हम कहां पहुंचना चाहते हैं, किन स्टैंडर्ड्स को हम मीट करना चाहते हैं अपने बिहेवियर में, अपने थिंकिंग में, इन सारी चीजों में, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया वैल्यूज एंड मॉरल्स क्या होते हैं। तो आप लिख सकते हो, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, वैल्यूज क्या हो, वैल्यूज एग्जाम्पल क्या होता है, लव इज अ वैल्यू, एम्पैथी इज अ वैल्यू, कंपैशन इज अ वैल्यू। तो ये सारे आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, ठीक है, कि वैल्यूज ये होता है। और पर एथिक्स क्या होता है, तो एथिक्स में आप बहुत सारे डायमेंशन में एथिक्स के एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे पॉलिटिकल एथिक्स होता है, ठीक है, सोसाइटल एथिक्स होता है, बायो एथिक्स। आजकल आप देखो नए एग्जाम्पल लिखना है तो आप बायो एथिक्स लिखो कि ऐसा कोई भी सामान या फिर ऐसा कोई भी वायरस वगैरह हम प्रोड्यूस ना करें जिससे ह्यूमंस को प्रॉब्लम हो या फिर जिससे और एनिमल्स या फिर बायोडाइवर्सिटी एनवायरमेंट को प्रॉब्लम हो। कोविड इज वन ऑफ द केसेस, वहां पे आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की होती चीजें एथिक्स, राइट। सोसाइटल एथिक्स में क्या हो जाएगा, आप ये बोल सकते हो कि भाई पैट्रियार्की को हटाना है,
ठीक है, एंड इक्वालिटी, सोसाइटल इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी इज अ सोसाइटल एथिक्स, राइट? सोसाइटल एथिक्स इक्वालिटी की बात कर सकते हैं. तो इस तरह से पॉलिटिकल एथिक्स पे क्रिमिनलाइजेशन नहीं होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, ठीक है. तो इस तरह की चीजें हो जाएंगी एथिक्स. एथिक्स मतलब सोशल या फिर ग्रुप लेवल पे, ठीक है. तो आगे बढ़ते हैं और हम अब देखते हैं कि यार हम अपनी पहली हेडिंग कैसे सॉल्व करेंगे. क्या है पहली हेडिंग? कि हमको बताना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स. तो अब ये रिलेशनशिप हम कैसे, मतलब इसको लॉजिकली तोड़ें कैसे, क्या पॉइंट्स लिखें जैसे कि एग्जैक्टली हम डिमांड ऑफ द क्वेश्चन को एड्रेस कर पाए, क्या पॉइंट्स हम लिख सकते हैं. तो देखो वैल्यूज हो गया और ये हो गया एथिक्स, ठीक है. देयर इज सम रिलेशनशिप. तो क्या कर, क्या कैसे सोचे? तो देखिए दो चीजें हैं, एक कि एथिक्स होता क्या है, व्हाट, ठीक है. दूसरा, अगर एथिक्स होता है तो उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, तभी तो उसका यूज है, तो उसको हमें इंप्लीमेंट करना पड़ेगा. तीसरी चीज है जो ये व्हाट से ही डिराइव होती है कि भाई अगर व्हाट है एथिक्स, सपोज इस पर्टिकुलर टाइम पे ये एथिक्स है, तो क्या वो चेंज होता है, ठीक है. ये चीज होगी एथिक्स. तो एथिक्स स्टैंडर्ड्स है, वो स्टैंडर्ड्स क्या है, ठीक है, उनको इम्प्लीमेंट कैसे करें और क्या उनमें चेंजेस आते हैं कि नहीं. सेम चीज वैल्यू के साथ है कि ये वैल्यूज हैं क्या, व्हाट, ठीक है, उनको हम इम्प्लीमेंट कैसे करें. सपोज कंपैशन इज अ वैल्यू, बट उनको हम अपनी लाइफ में कैसे लाएं, ठीक है, दैट इज एन इम्पॉर्टेंट. एंड क्या वैल्यू चेंज होती रहती है विद टाइम, स्पेस, सिचुएशन एक्सेट्रा, ठीक है. तो यहाँ पे जैसे आपने देखा होगा बहुत सारी थियोरीज हैं, यूटिलिटेरियन थ्योरी है जो कॉन्सिक्वेंसेस बिलीव करती है, ड्यूटी वाला जो थ्योरी है, डियोलॉजिकल एंड डियोन्टोलॉजिकल जो कांट की थ्योरी है, जो एक्टिविटी या फिर आप कह लो कि कॉन्सिक्वेंसेस पे नहीं बट अपने मॉरल ड्यूटीज पे बिलीव करती है ना, वैसे ही एरिस्टोटल की थ्योरी है. बहुत सारी ऐसी थ्योरीज है जो मतलब इन सब चीजों को बताती हैं कि क्या इनके बीच का रिलेशन है या फिर इनका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है. बट हमें इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है, रिलेशनशिप कैसे बताएंगे. तो हम सबसे पहला पॉइंट लिख सकते हैं जैसे कि आपको, और ये अंडरस्टैंडिंग आपको यहीं से निकालनी है, इसीलिए मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया है. तो सबसे पहले लिखते हैं कि वैल्यूज इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स का डेफिनेशन. मतलब सबसे पहला पॉइंट हो गया कि एथिक्स जो हो सोसाइटी का वो कहां से डिराइव हो, वैल्यू से. वो एक रिलेशन हो गया कि एथिक्स जो भी सोसाइटी का है वो कहां से आ रहा है, मतलब आ कहां से रहा है, उसका ओरिजिनेशन कहां पे, उसका ओरिजिन कहां पे. तो उसका ओरिजिन कहां पे है, वैल्यू सिस्टम में. जैसी वैल्यू सिस्टम होगी वैसा ही एथिक्स होगा, या फिर यूं कहूं कि वैल्यूज आर इन्फ्लुएंसिंग एथिक्स का डेफिनेशन या फिर एथिक्स का एग्जिस्टेंस, ठीक है. ये एक पहला चीज हो जाएगा, ठीक है. अभी मैं आपको पॉइंट्स बता रहा हूं, इसके नीचे मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगा बाद में, पहले आप समझ लीजिए, ठीक है. दूसरी चीज क्या हो सकती है कि वैल्यूज हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स. जैसे कि मैंने बताया एथिक्स है क्या, तो व्हाट इज एथिक्स, डिराइविंग फ्रॉम वैल्यू. हाउ टू इम्प्लीमेंट एथिक्स, डिराइविंग फ्रॉम वैल्यू, मतलब वैल्यूज हेल्पिंग इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स, ठीक है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स, ये एक दूसरा पॉइंट हो सकता है. तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, सिमिलरली उल्टा कर दीजिए कि व्हाट आर वैल्यूज. हमने यहाँ पर डिस्कस किया ना तीन चीज, व्हाट आर वैल्यूज एंड एथिक्स कैसे डिराइव करता है या फिर डिफाइन करता है या फिर कैसे एथिक्स इन्फ्लुएंस करता है कि व्हाट आर वैल्यूज, ठीक है. तो यहाँ पे हम तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि एथिक्स इन्फ्लुएंसिंग व्हाट आर वैल्यूज, ये एथिक्स कैसे इन्फ्लुएंस करता है. चौथा पॉइंट क्या लिख सकते हैं कि वैल्यू का इंप्लीमेंटेशन चाहिए, तो हाउ एथिक्स हेल्प इन द इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज, ये हम चौथा पॉइंट लिख सकते हैं, एथिक्स हेल्पिंग इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज, तो हम ये पॉइंट लिख सकते हैं, राइट. फिर एक पांचवा पॉइंट हम कैसे क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया इन सब में होता रहता है चेंज, एथिक्स भी चेंज होता रहता है, वैल्यूज भी चेंज होता रहता है, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ऑब्वियसली, लेकिन कहीं ना कहीं कभी ना कभी हमने देखा है कि चीजें बदली हैं. तो हम क्या कर सकते हैं कि हाउ वैल्यूज
हेल्प इन चेंजिंग वैल्यूज, हेल्प इन चेंजिंग द एथिक्स। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं हम अपना पांचवा पॉइंट कि वैल्यूज चेंजिंग एथिक्स, ये हो गया हमारा पांचवा पॉइंट। और जो छठा पॉइंट हम लिख सकते हैं सिमिलरली एथिक्स चेंजिंग वैल्यूज, राइट। तो ये हो गया हमारा रिलेशन बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज, ठीक है। तो इस तरह से छह पॉइंट हम लिख सकते हैं कि भाई कैसे एथिक्स और वैल्यूज एक दूसरे के डेफिनेशन को, एक दूसरे के इम्प्लीमेंटेशन को, और एक दूसरे में जो चेंज आ रहा है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। तो अब आइए थोड़ा बहुत एग्जाम्पल्स डिस्कस कर लेते हैं, तभी ज्यादा क्लियर होगा आपको भी, और जब आप ये आंसर लिखोगे तो एग्जामिनर को भी। तो हमारा पहला पॉइंट क्या था कि हाउ वैल्यूज इन्फ्लुएंस व्हाट इज एथिक्स, व्हाट इज एथिक्स, ये हमारा पहला एग्जाम्पल, ये हमारा पहला पॉइंट था। तो अब इसके अंदर एग्जाम्पल देख लेते हैं कि भाई इसमें क्या बोल रहा है कि जो एथिक्स बनी सोसाइटी में वो कहीं ना कहीं वैल्यू से डराइव हो रही है, ठीक है। तो जैसे हम पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं कि हमारे पास जो अब हमने गुड समैरिटन लॉ बनाया, गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, गुड समैरिटन, ओके, गुड समैरिटन लॉ क्या होता है, ये कहता है कि भाई कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है रास्ते में, ठीक है, या फिर कोई भी इंसान किसी भी ट्रबल में है, जहां उसकी जान को खतरा है, तो बिना किसी भी पुलिस वेरिफिकेशन या बिना किसी भी लॉ एंड ऑर्डर चीजों के की फिक्र किए बिना आप उसकी मदद करिए, आपको कोई भी तकलीफ नहीं होगी फ्रॉम द साइड ऑफ गवर्नमेंट। तो ये एक लॉ है जो कर्नाटका में भी लाया गया है, जो और भी बहुत सारे स्टेट में लाया गया है। तो ये कहां से ड्राइव हो रहा है, ड्राइविंग फ्रॉम द वैल्यू ऑफ काइंडनेस, राइट, काइंडनेस, कंपैशन फॉर द कंपैशन, एम्पैथी, इन्हीं वैल्यूज से तो डराइव हो रहा है ये वाला एथिक्स। एथिक्स क्या है, सोसाइटल, ये हमने एक लॉ बना दिया तो ये एक सोसाइटल लेवल पे हो गया, दैट इज व्हाई इट हैज बिकम एथिक्स। पर ये एथिक्स डराइव कहां से हुई, वैल्यूज से, कौन सी वैल्यूज से, काइंडनेस, कंपैशन, एम्पैथी। अगर ये वैल्यूज ना होती तो हम कभी ये लॉ बनाने का सोचते नहीं, राइट। तो हम ये पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं, और एग्जाम्पल भी दे सकते हैं हम कि सपोज बायोएथिक्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि मैंने पहले बोला बायोएथिक्स कि आप ऐसा कोई भी वायरस ना बनाओ या ऐसा कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म मत बनाओ जिससे ह्यूमन को प्रॉब्लम हो। तो ये क्या है, बायोएथिक्स एक सोसाइटल लेवल पे हो गया, कंट्री लेवल पे हो गया, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया, है ना, इंटरनेशनल लेवल पे हो गया। पर ये डिराइव कहां से हो रहा है, किन वैल्यू से डिराइव हो रहा है, ये हो रहा है डिराइव वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, या फिर ये कह लो कि एनवायरमेंटल वैल्यू से डराइव हो, कि भाई एनवायरमेंट को, पूरे बायोडाइवर्सिटी को कोई फर्क ना पड़े, कोई तकलीफ ना हो। तो दैट इज हाउ बायोएथिक्स हैव इवॉल्व फ्रॉम द वैल्यूज ऑफ ह्यूमन लाइफ, है ना, गिविंग वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है दैट इज ह्यूमन लाइफ, दैट इज एनवायरमेंट लाइफ, दैट इज एनिमल लाइफ, एवरीथिंग, बायोडाइवर्सिटी। तो इसलिए ऐसा कुछ काम हम ना करें, ठीक है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि जेनेवा कन्वेंशन, जेनेवा कन्वेंशन के बारे में आपने सुना होगा, ये कहता है कि जब भी कोई वॉर हो, सपोज दो कंट्रीज के बीच में वॉर हो रहा है, तो एक तो ये कहता है कि भाई प्रोपोर्शनल लेवल पे डैमेज होना चाहिए, कि ऐसा ना हो कि अगर एक, मतलब कहने का मतलब है कि अनप्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, कि डिसप्रोपोर्शनल लेवल पे दूसरा कंट्री अटैक ना करे, मतलब बेसिकली वॉर को मिनिमाइज करने की बात करता है। ये भी करता है बात कि जो भी आर्म फोर्सेस के लोग को कैप्चर किया जाता है आफ्टर द वॉर, उनके साथ ह्यूमेन ट्रीटमेंट हो, ऐसा ना हो कि मतलब इनकी जिंदगी को आपने हेल बना दिया। तो आर्म फोर्सेस जो भी कैप्चर हो रहे हैं वॉर में होते ही हैं, एक दूसरे के सोल्जर्स कैप्चर होते ही हैं, तो उनके साथ हम एक जेन्युइन, एक ह्यूमन लाइफ को रिस्पेक्ट करने वाला ट्रीटमेंट करें, ठीक है। वॉर अपनी जगह है लेकिन ह्यूमन लाइफ अपनी जगह है। तो ये अगेन कहां, किन वैल्यूज से ड्राइव हो रहा है, वैल्यू टू ह्यूमन लाइफ, है ना, वैल्यू ऑफ कंपैशन, एम्पैथी, इन्हीं वैल्यू से ड्राइव हो रहा है। तो ये एक एथिक्स बन चुका है, क्योंकि ये सोसाइटल इंटरनेशनल लेवल पे हम बात करते हैं, एंड इट इज डिराइव फ्रॉम वैल्यू, जो नेचुरल ह्यूमन वैल्यूज है वहां से ड्राइव हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, नेक्स्ट है हमारा कि वैल्यूज हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स, ठीक है, वैल्यूज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एथिक्स, ये हमने दूसरा बात किया था कि कैसे एथिक्स के इम्प्लीमेंटेशन में वैल्यूज मदद करते हैं। तो यहां पे हम क्या एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि आप ट्रैफिक लॉस देख लो, ट्रैफिक लॉस क्या है, एथिक्स है, एथिक्स क्यों, क्योंकि सोसाइटल लेवल पे है,
राइट, ट्रैफिक लॉज ये है तो सोसाइटल लेवल पे, राइट, सबको मानना पड़ता है, लेकिन कौन मानेगा इसको, कौन मानेगा, कब मानेंगे लोग, जब उनके अंदर वैल्यू ऑफ इंटेग्रिटी होगी कि वो हर सिचुएशन में अपनी वैल्यूज को फॉलो करेंगे, दे विल बी ऑनेस्ट इन एवरी सिचुएशन। ऐसा नहीं कि अगर कोई नहीं दिख रहा है रास्ते में तो आप ट्रैफिक लाइट छोड़ के तोड़ के निकल जाओ, तो यू नीड टू हैव इंटेग्रिटी सो दैट आप इन एथिक्स को फॉलो कर पाओ, इसको इम्प्लीमेंट कर पाओ। ठीक है, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सैनिटेशन। सैनिटेशन हैज बिकम अ एथिकल वैल्यू, हैज बिकम एथिक्स। सबको सोसाइटल लेवल पे हमें चाहिए सैनिटेशन, क्लीनलीनेस। स्वच्छ भारत अभियान लॉन्च किया गया है इंडिया में, इतने ब्रॉड लेवल पे नंबर ऑफ टॉयलेट्स कितने सारे बनाए गए हैं, तो सैनिटेशन हैज बिकम, सैनिटेशन सोसाइटल लेवल पे आ चुका है। बट ये कहां से डराइव होगा, क्लीनलीनेस की जो ड्यूटी है, इंडिविजुअल वैल्यू जो है क्लीनलीनेस की, जो ड्यूटी है इंडिविजुअल की, वहीं से तो डराइव होगा। हम कैसे अपने सराउंडिंग को क्लीन रख पाएंगे, सैनिटेशन जो सोसाइटल लेवल पे है सबको करना चाहिए, वो कैसे कर पाएंगे जब हमारे अंदर इंडिविजुअल ड्यूटी होगा टुवर्ड्स क्लीनिनेस, राइट। तो एथिक्स के इम्प्लीमेंटेशन में आप देख रहे हो वैल्यूज कैसे हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, तीसरा एग्जांपल भी आप ले सकते हो कि सोसाइटल सोशल वेलफेयर जो है, ठीक है, या फिर कह लो पॉलिटिकल एथिक्स जो है, वो कहां से डराइव हो रहा है, मतलब अगर हमें वल्नरेबल सेक्शन है सपोज हमारा, ठीक है, एससी एसटी पुअर, राइट, वुमेन ट्रांसजेंडर, ये सारी जो वल्नरेबल सेक्शन है, इनको अगर हमें अपलिफ्ट करना है, इनको अगर हमें डेवलप करना है, तो ये क्या हो गया, पॉलिटिकल एथिक्स है, या फिर यूं कह लो सोसाइटल एथिक्स है, सोसाइटल वेलफेयर है ना। लेकिन डराइव कहां से हो रहा है, ड्राइव अगेन वैल्यू ऑफ इक्वालिटी से हो रहा है ना, कि सब लोग इक्वल पहुंचे, है ना, सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हो, जो हमारे प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है ना, या फिर इनफैक्ट कंपैशन एम्पैथी, इन सब वैल्यू से भी चीज डिराइव हो रही है। तो आप देखो कैसे इस चीज को इम्प्लीमेंट करने में, कि हम प्रॉपर स्कीम्स को इम्प्लीमेंट कर पाए, इस वैल्यूज की जरूरत है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने थर्ड पॉइंट पे, कि हाउ एथिक्स इन्फ्लुएंस द वैल्यूज डेफिनेशन, कि एथिक्स कैसे वैल्यू की डेफिनेशन, या फिर कह लो कि व्हाट इज वैल्यू, उसको इन्फ्लुएंस करता है, एथिक्स इन्फ्लुएंसिंग व्हाट इज वैल्यू। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल देखते हैं कि कैसे जो वैल्यू बन रही है, कैसे वो एथिक्स से डराइव हो रही है। जैसे कि पहला एग्जांपल अगर हम देखें, तो जो एक सपोज एक लॉयर है, उसको पता है कि दिस पर्सन इज अ मर्डरर, बट उसका जो एथिक्स है, जो प्रोफेशनल एथिक्स है लॉयर का, वो तो ये कहेगा कि यू हैव टू डिफेंड इन फ्रंट ऑफ द कोर्ट ऑफ लॉ, क्योंकि वो इस मर्डरर का भी राइट है, राइट, इसका इसकी एक राइट है ना, कि he has the right to be defended, वो अपने पॉइंट रख सकता है। ठीक है, तो लॉयर को लेकिन पता है कि यही मर्डरर है, लेकिन है ये लॉयर बहुत ही मॉरली अपराइट, मतलब बहुत ही अच्छा बंदा है, गलत काम नहीं करना चाहता। तो यहां पे देखो क्या हो रहा है, कि ये एक वैल्यू डेवलप करेगा, कौन सी वैल्यू डेवलप करेगा, वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी, कि ठीक है, मतलब आई विल डिफेंड, लेट द लॉ टेक इट्स पाथ, है ना, वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी डेवलप करेगा ये लॉयर। एंड देन तो यहाँ पे आप देखो कि इसलिए एथिक्स मतलब जो प्रोफेशनल एथिक्स है यहाँ पे, वो बना रहा है एक वैल्यू, कौन सी वैल्यू ऑफ न्यूट्रलिटी, ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो। दूसरा एग्जांपल आप क्या लिख सकते हो, रिलीजन देख लो, रिलीजन क्या होता है, सोसाइटल लेवल पे एथिक्स है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इनके नॉर्म्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं, बहुत सारे प्रिंसिपल्स हैं जो हम सबको मानने पड़ते हैं, या ऐसा कहा जाता है कि रिलीजियस प्रिंसिपल को मानना चाहिए, या फिर पुराने जमाने में देख लो यही एथिक्स का एक मेन सोर्स था। तो ये किन वैल्यूज को डेवलप करता है, वैल्यू ऑफ फेथ, रिलीजन क्या बोलता है, वैल्यू ऑफ फेथ, बिलीफ, पॉजिटिविटी, ब्रदरहुड, इन सारी वैल्यूज को डेवलप करता है कि नहीं करता, राइट, तो इसलिए ब्रदरहुड है ना। तो इसलिए जो रिलीजन है विच इज एथिक्स इज हेल्पिंग डेराइव द वैल्यूज ऑफ, या फिर क्रिएट द वैल्यूज ऑफ फेथ, पॉजिटिविटी, ब्रदरहुड एक्सेट्रा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं, हम आ जाते हैं अपने चौथे पॉइंट पे, जो ये बोलता है कि हाउ एथिक्स विल हेल्प इन इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज। अब एथिक्स इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज में कैसे हेल्प करेगा, अभी तो उसने वैल्यूज बना दी है ना, इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज, उसने वैल्यूज तो बना दी, बट उनको इंप्लीमेंट कैसे करेंगे, तो इसमें एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कैसे इंप्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज में हेल्प करेगा। जैसे कि आप देख लो कि एनवायरमेंटल एथिक्स ले लेते हैं, अब आप यहाँ पे एक चीज ध्यान दे रहे होंगे
कि जब भी मैं एथिक्स की बात कर रहा हूँ तो मैं जीएस के डायमेंशन की एथिक्स की बात कर रहा हूँ, जैसे कि साइड में बताता हूँ पॉलिटिकल एथिक्स है ना, सोसाइटल एथिक्स राइट, बायो एथिक्स मतलब या फिर टेक्नोलॉजिकल एथिक्स, ठीक है, एनवायरमेंटल एथिक्स। तो आप ये देखो कि जब भी अगर आपको क्वेश्चन का कंटेंट नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्रिएट होगा, तो सिंपल है, आपको जीएस के डायमेंशन उठाने हैं एंड उसके सामने एथिक्स लगा के आप जब लगाओगे तो आपको अपने आप एग्जांपल्स दिमाग में आने लगेंगे। दैट इज द वे टू क्रिएट द कंटेंट, यही तरीका है कंटेंट क्रिएट करने का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एनवायरमेंटल एथिक्स की अगर हम बात करें, जैसे कि पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, हमें एनवायरमेंट को सेव करना है, उसको डीजेनरेशन होने से रोकना है, तो ये कहां से आएगी? जब हमें हमारे पास वैल्यू ऑफ कॉन्शियसनेस होगा, मतलब कॉन्शियस लिविंग की जो वैल्यू है, अगर हम ये फॉलो कर पाए तभी तो हम प्लास्टिक बैग्स नहीं खरीदेंगे, तभी तो हम फॉसिल फ्यूल्स का यूज करना कम करेंगे, क्योंकि हमें कॉन्शियस होना पड़ेगा अपने एनवायरमेंट की तरफ, राइट। तो ये होता है एनवायरमेंटल एथिक्स, एनवायरमेंटल एथिक्स हेल्पिंग इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ कॉन्शियस लिविंग, राइट। ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। फिर इसके बाद एक और एग्जाम्पल हो सकता है कि आप दूसरा एग्जाम्पल ले लो, सपोज इंटरनेशनल लेवल पे हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंटरनेशनल एथिक्स की हम बात कर लेते हैं, ठीक है। अनक्लॉज का एग्जाम्पल ले लो आप। अनक्लॉज क्या है? जो बाउंड्रीज वगैरह, लॉ ऑफ सी है ना, जो बाउंड्रीज वगैरह डिसाइड करता है ओशन कि अगर अगर ये एक पर्टिकुलर देश है तो इसका मैरिटाइम बाउंड्री कहां तक जा रहा है, एंड दूसरे का अगर दूसरा देश है तो उसका मैरिटाइम बाउंड्री यहां पे आ रहा है, तो क्लैश हो रहे हैं, तो कैसे इन क्लैशेस के पीछे का प्रिंसिपल क्या होगा, कैसे इसको रिजोल्व करेंगे, किसका कितना एरिया है, तो ये सारी चीजें करता है अनक्लॉस, ठीक है। तो ये तो हो गया इंटरनेशनल एथिक्स, ठीक है। बट ये डिराइव कहां से हो रहा है? वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन से, कि भाई बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव। सब कंट्रीज को अपना राइट चाहिए, तो अगर आपका यहां से क्रॉस हो, अगर आपका बाउंड्री यहां से जा रही है, दूसरे की यहां से क्लैश कर रही हो, तो प्लीज इस रीजन के लिए बी सेटिस्फाइड, है ना। तो वैल्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन से ड्राइव हो रहा है ये चीज। ये आप देख रहे हो कि इंटरनेशनल एथिक्स भी जो है वो वैल्यू वैल्यू से इंप्लीमेंट हो सकता है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने पांचवे पॉइंट पे, जो हमने डिस्कस किया था कि हाउ वैल्यूज हेल्प इन चेंजिंग एथिक्स। तो बेसिकली ये कहना ये चाहता है कि पहले एथिक्स कुछ था, अब एथिक्स कुछ है, और उनमें जो चेंज आया है वो वैल्यू की वजह से आया। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए सती का एग्जाम्पल लेते हैं। तो सती ऑब्वियसली आज के जमाने में आप किसी से पूछोगे तो उसको गलत ही बोलेगा, लेकिन पहले के जमाने में जो विमेन सती को एडॉप्ट करती थी उनकी रिस्पेक्ट होती थी, तो इट वॉज एथिक्स, वो एक एथिक्स था उस जमाने में, क्योंकि उसकी फाउंडेशन अलग थी, है ना। ये चीज एक्सेप्टेबल थी सोसाइटी में, ये चीज सोसाइटी में रिस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है। तो ये अब लेकिन क्या हुआ, आज के समय तो ये एथिक्स रह नहीं गया, तो दिस हैज चेंज्ड। पर ये चेंज क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ वैल्यू। वैल्यू ऑफ व्हाट? कंपैशन, एम्पैथी टुवर्ड्स ह्यूमन लाइफ की जो इंपॉर्टेंस है वो जब बढ़ गई है, ठीक है, कंपैशन एम्पैथी, तो तब जब हमें समझ में आया कि यार मतलब इवन वुमेन की जो लाइफ है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो हम धीमे 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 सोसाइटी में जो एथिक्स का चेंज आया है वो दैट इज बेस्ड ऑन दीज वैल्यूज। तो ये एक एग्जाम्पल हो सकता है। दूसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, जो जो पहले के जमाने में, अगेन आप कास्ट बेस्ड हायरार्की की बात कर रहे हो, तो पहले बहुत ज्यादा रिजिड था, बहुत रिजिड था, ठीक है। आपने अगर बुक पढ़ी हो वो अम्बेडकर साहब की, बी आर अम्बेडकर साहब की, द एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट, उसमें आप पढ़ो तो आपको समझ में आएगा कि कितनी ज्यादा ज्यादती होती है लोअर कास्ट के लोगों के साथ, होती थी, राइट। पर ये, और ये उस समय का एथिक्स हो चुका था, क्योंकि बहुत सारे हमारे लिटरेचर इसको जस्टिफाई करते हैं, जो एंशियंट लिटरेचर है वो जस्टिफाई करते हैं इसको, तो ये तो एथिक्स हो गया। लेकिन आज इसमें चेंज आ चुका है, आज हमारे पास एस सी एस टी लॉ है, स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं, राइट, लोगों के हम थॉट प्रोसेस को बदलना चाहते हैं। ये क्यों हुआ? क्योंकि वैल्यू ऑफ इक्वालिटी की वजह से इसने एथिक्स में चेंज लाया है। तो ये एक रिलेशन है बिटवीन वैल्यू एंड एथिक्स, कि कैसे वैल्यू इज चेंजिंग एथिक्स, है ना। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पॉइंट पे कि हाउ एथिक्स इज चेंजिंग वैल्यू, ठीक है। एथिक्स पे आ जाते हैं कि हाउ एथिक्स इज चेंजिंग वैल्यू। तो फॉर इंस्टेंस कि हमने एक लॉ बना दिया मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट,
ये एक्ट सबको पता होगा जिसमें मैटरनिटी लीव की बात की गई है और कैसे हम ड्यूरिंग बिफोर ड्यूरिंग एंड आफ्टर प्रेगनेंसी वुमेन की हेल्प कर सकते हैं, उनके बारे में सोच सकते हैं. तो ये बना दी हमने एथिक्स, ये एक एथिक्स है. तो इसने किन वैल्यूज को चेंज किया? जो पैट्रियार्कल माइंडसेट था ना वो एक वैल्यू बन गया था. क्यों वैल्यू बन गया था? क्यों ये वैल्यू था? क्योंकि यही तो बिलीफ सिस्टम हो गया था लोगों का, कि पैट्रियार्की ही तो लोगों का बिलीफ सिस्टम हो गया था. दैट इज व्हाई इट बिकेम अ वैल्यू. लेकिन आज इस एथिक्स की वजह से, इस लॉ की वजह से, लॉ क्या होता है? सोसाइटल एथिक्स ही होता है, ठीक है. इस लॉ की वजह से ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है. इट इज चेंजिंग टुवर्ड्स जेंडर इक्वालिटी, राइट, जेंडर वेलफेयर, है ना. तो ये एक एग्जांपल आप लिख सकते हो. आप गांधीयन एथिक्स का एग्जांपल लिख सकते हो कि गांधीयन एथिक्स की वजह से आप देखो नॉन वायलेंस की जो पहले वैल्यूज, नॉन वायलेंस की वैल्यू ऑब्वियसली हमेशा एग्जिस्ट करती थी, लेकिन उसको एकदम इंसान के अंदर रियलाइज कराना, ये जो वैल्यू है उसको इनग्रेन कर देना, वो तो गांधीयन एथिक्स की वजह से ही हुआ, राइट. तो ये एक एग्जाम्पल आप ले सकते हो. तो सिमिलरली आप और एग्जाम्पल ले सकते हो कि जब अपार्थीड लॉ, जो अपार्थीड होता था वहां पे, जब इसको बैन किया गया, तो ये एक सॉर्ट ऑफ जो नया लॉ लाया गया वो एक एथिक्स बन गया. एंड उसकी वजह से जो डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यूज थी, डिस्क्रिमिनेटरी वैल्यूज जो थी लोगों के बीच में बिटवीन कलर, रेस एक्सेट्रा, तो ये वैल्यूज क्या हो गई? चेंज हो गई. ये वैल्यूज चेंज हो गई. तो आप देखो कैसे एथिक्स ने हेल्प किया बहुत सारी वैल्यूज को चेंज करने में. तो ये एक बात हो गई. अब हम आ जाते हैं कि कहां पे वो कॉन्ट्राडिक्शन है. ये हमारा हेडिंग नंबर टू है कि कैसे वो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ठीक है. तो हेडिंग नंबर टू पे आ जाते हैं कि एथिक्स एंड वैल्यूज के बीच में क्या कभी कोई कॉन्ट्राडिक्शन हो सकता है. तो आप देखो इसमें तो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल महाभारत का ही है, राइट. कि अर्जुन की यही तो दुविधा थी कि भाई मेरी वैल्यू है नॉन वायलेंस, फैमिली के लिए रिस्पेक्ट, और यहाँ पे ये मेरी वैल्यू है, और आप कह रहे हो कृष्ण भगवान कि एथिक्स ये है या धर्म ये है कि मुझे युद्ध करना है. ये कितना बड़ा कंफ्लिक्ट आ गया इनके बीच में, देख रहे हो. सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो महाभारत से मिल जाता है कि कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन एथिक्स एंड वैल्यूज. ये है एथिक्स कि तुम्हें सोसाइटी के लिए, सोसाइटीज, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए तुम्हें क्या करना है, और ये है तो आपकी वैल्यूज, वो हो रही है कंफ्लिक्ट. चलिए दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं. सपोज जैसे कि हम सपोज किसी के लव्ड वन या मदर या फादर या कोई भी इल है, ठीक है. तो पर जो बच्चा है उसके पास सफिशिएंट पैसा नहीं है, तो क्या करेगा? मेडिसिन की चोरी कर लेगा. अब ये क्या हो रहा है? कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है. मेडिसिन का चोरी कर लेगा, थेफ्ट. एक कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है. किसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो रहा है? कि वैल्यूज एंड एथिक्स में. कैसे? कि यार वैल्यू क्या हो गई? ह्यूमन लाइफ, ये प्रायोरिटी बन गया. एथिक्स क्या है? थेफ्ट तो नहीं करना चाहिए, राइट. नो थेफ्ट इज द एथिक्स, कि हमें चोरी नहीं करना चाहिए. बट क्योंकि ह्यूमन लाइफ क्वेश्चन में है इसलिए कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, क्रिएट हो गया. एक एग्जाम्पल आप दे सकते हो. कोविड में देख लो आप, बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कोविड इस कॉन्ट्रडिक्शन का. क्योंकि अब ये देखो, कंपैशन, एम्पैथी इज द वैल्यू, लेकिन कोविड के समय ये वैल्यूज का, ये वैल्यूज पीछे हो गई. जो माइग्रेंट क्राइसिस हुआ, जो लॉकडाउन हुआ, दैट वाज नॉट कंपैशनेट, दैट वाज नॉट एम्पैथेटिक. लेकिन क्योंकि सोसाइटल एथिक्स, या फिर कह लीजिए आप ह्यूमन लाइफ, पूरे देश की ह्यूमन लाइफ बचाना ज्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए हमने एथिक्स को फॉलो किया, क्योंकि ह्यूमन लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रादर देन उस समय की कंपैशन एंड एम्पैथी. तो थोड़ा तकलीफ सबको हुई, बट दैट वॉज फॉर द सोसाइटल गुड, सभी सभी के अच्छाई के लिए था वो चीज. तो कोविड में भी कॉन्ट्रडिक्शन आया बिटवीन वैल्यूज एंड एथिक्स, ठीक है. और एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे एडवर्ड स्नोडन के एग्जाम्पल आप ले सकते हो. उसने क्या किया? एडवर्ड स्नोडन, जो विकीलीक्स वाला केस है ना, उसने क्या किया? उसने एक होता है प्राइवेसी, राइट, ये वैल्यू है, और दूसरा है एथिक्स कि भाई आई विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग, है ना. तो उसने क्या फॉलो किया? नहीं, सोसाइटल एथिक्स का जो मतलब जो उसका पॉलिटिकल एथिक्स है, या फिर कह लो आप लॉ वाला जो एथिक्स है, उसको फॉलो किए बिना उसने वैल्यू को प्रेफरेंस दिया. कि मतलब ठीक है, इट इज सबके साथ गलत हो रहा है, तो आई हैव टू कम फॉरवर्ड, चाहे वो कितना भी गलत हो, लॉ के बेसिस में कितना भी गलत हो, चाहे वो कैसा भी गलत हो,
तो उसने उस चीज को प्रेफरेंस दिया, तो अगेन उसकी खुद की वैल्यूज एंड सोसाइटी की जो एथिक्स है उसमें कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट हो गया था। तो इस तरह से आप इस आंसर को लिख सकते हो। जैसे कि मैंने कहा वे फॉरवर्ड यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी आप वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हो, आपको यही करना है कि भाई जो वैल्यूज है वो थोड़ी और ब्रॉड होती जाए कि वो एथिक्स की तरफ पहुंचे और इन दोनों में सिंक और बेहतर बने, और जो एथिक्स हो वो इंसान या फिर एक इंडिविजुअल ह्यूमन को ध्यान में रखते हुए बने। ठीक है, अगर हम ये दोनों काम करने में सफल रहे तो हम वैल्यू और एथिक्स के बीच का जो सिंक है वो और बेहतर कर सकते हैं। दूसरा चीज हम क्या कर सकते हैं, या फिर आप इसको कंक्लूजन में भी लिख सकते हो, आप लिख सकते हो कॉन्शियंस। जब वैल्यू और एथिक्स में प्रॉब्लम आए तो यू हैव टू यूज योर कॉन्शियंस, क्योंकि गांधी जी ने क्या बोला, आप यहाँ पे कोटेशन भी लिख सकते हो कि कॉन्शियंस इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस, है ना। तो कॉन्शियंस, इनर वॉइस, आप अपने इनर वॉइस को सुनो एंड जो वो कह रहा है उसको प्रेफरेंस दो बिटवीन वैल्यू एंड एथिक्स। सो दैट इज हाउ यू कैन ब्रेक दिस क्वेश्चन, यू कैन राइट दिस क्वेश्चन, लॉजिकली आंसर कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट ये समझना, समरी दे देते हैं हम लोग कि वैल्यू एंड एथिक्स के बीच का रिलेशन क्या है। तो आपको ये समझना है वैल्यूज कैसे क्रिएट हो रही है, मतलब वॉट आर वैल्यूज, ठीक है। तो एथिक्स कैसे हेल्प कर रहा है वैल्यू क्रिएट करने में, वैल्यू को हमें इम्प्लीमेंट करना है तो एथिक्स कैसे हेल्प कर रहा है उसको इम्प्लीमेंट करने में, एंड वैल्यूज में चेंजेस आते हैं तो एथिक्स कैसे हेल्प कर रहा है उनमें चेंजेस में। सिमिलरली एथिक्स में वही चीज है, वॉट, इम्प्लीमेंटेशन एंड चेंजेस, है ना। तो इन सब में वैल्यूज का क्या रोल है, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा रिलेशन, एंड देन वी हैव द कॉन्ट्रडिक्शन जो मैंने आपको बताया, एंड दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप एंजॉयिंग। थैंक यू एवरीवन।